हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू टॉपिक है न्यू वीडियो के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है फॉर टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो सभी लिंक से जुड़े और एम फॉर टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें, ताकि आप लोगों के पॉजिटिव सपोर्ट के जरिए ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ साथ वीडियोज़ एंड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड होता रहे। एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। स्टार्ट करेंगे आज का स्पेशल टॉपिक, और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है आज की वीडियो का, क्योंकि आज हम देखेंगे कि केवीएस में जो न्यू अपडेट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज रिलीज द इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग केवीएस एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन डेट 2018। आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2018 में, यानी कि रिसेंटली हमारी वैकेंसीज निकली हैं और 24 अगस्त से केवीएस के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। बोर्ड हैज डिसाइडेड टू अलाउ All those candidate who are otherwise eligible and are appearing in CTET 2018 to apply for PRT and TJT in KVS requirement 2018। यानी कि यहाँ पर बोर्ड ने, KVS बोर्ड ने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो CTET 2018 में उन लोगों ने अप्लाई किया है PRT and TJT based, यानी कि CTET पेपर 1 और पेपर 2 के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो साथ के साथ अप्लाई कर सकते हैं केवीएस के एग्जाम को। बहुत ही अच्छी बात है। इन दिस कंडीशन इज दैट द अपियरिंग कैंडिडेट्स शैल हैव टू क्वालिफाई सीटेट पेपर 1 फॉर पीआरटी एंड सीटेट पेपर 2 फॉर टीजीटी इन द एंशुइंग सीटेट 2018 बीइंग कंडक्टेड बाय द सीबीएसई। यानी कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है कि पीआरटी एंड टीजीटी के लिए आप अब अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सीटेट, यानी कि आपको सीटेट भी अप्लाई करना है, सीटेट भी आप लोग अप्लाई करेंगे 2018 वाला। उसके अकॉर्डिंग अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई हो जाते हैं और आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है 2018 वाला, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे केवीएस के लिए, यानी कि केवीएस का एग्ज़ाम तब आपका क्लियर माना जाएगा उस बेस्ड पर। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स सीटेट के लिए इतने काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि केवीएस एंड DSSB में आजकल कंपलसरी हो गया ये चीज़, तो कंपलसरी के अकॉर्डिंग अब उन कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी बात है जिन्होंने सीटेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किया था और अब 2018 में वो क्वालिफाई, यानी कि आगे कंटिन्यू करें क्वालिफाई के लिए, और उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है पीआरटी एंड टीजीटी बेस्ड के अकॉर्डिंग, तो वो कैंडिडेट्स अब केवीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब वो सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई हो जाए तो वो केवीएस का भी आगे कंटिन्यू कर सके। तो बहुत अच्छी बात है एंड बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, जो कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए सबसे अच्छी नोटिफिकेशन है। अब आगे देखिए क्या है। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बी एक्सटेंडेड अप टू 23 सितंबर 2018। 10 दिन और बढ़ा दिए हैं बोर्ड ने, केवीएस बोर्ड ने 10 दिन और बढ़ा दिए, क्योंकि 13 सितंबर को फॉर्म फिल होना, मतलब कि लास्ट डेट 13 सितंबर थी, बट इन्होंने अब 10 दिन और बढ़ा दिए। आप लोगों के लिए अच्छी है जो कैंडिडेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीटेट की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को, ऐसे ही अब उन लोगों के सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी है केवीएस के रिगार्डिंग, तो केवीएस को भी अप्लाई कर सकते हैं वो लोग और सीटेट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 2 एग्जाम उनके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवीएस और सीटेट दोनों में अच्छी एक बात ये चीज़ हो चुकी है कि थोड़ा सा लेवल सेम हो चुका है, क्योंकि पैडागोजी को हटा दिया गया है, दोनों में सेम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, दोनों की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट एंड केवीएस दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग एंड अपनी अपडेशंस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें इन्फो टीचिंग पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर कंटेंट अबाउट टीचिंग एग्जाम। आप लोगों को ऐसे ही रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेशन के साथ साथ कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप वॉचिंग।